हेलो एवरीवन, एनआर हिंदी सेक्रेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, रिटायरमेंट का फंक्शन बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस फंक्शन के साथ हमारे फीलिंग्स और हमारे इमोशन जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि जब एक इंसान लंबे अरसे तक किसी दफ्तर में कार्य करता है, तो उस इंसान के साथ हमारे फीलिंग्स और हमारे इमोशंस ऐसे ही जुड़ जाते हैं। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि रिटायरमेंट का फंक्शन सिर्फ एक फंक्शन बनकर न रह जाए, बल्कि एक याद बनकर लोगों के दिलों में रहे। इसलिए हमारी स्पीच बहुत ही खास होनी चाहिए और शब्दों से ही इस फंक्शन में जान आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रिटायरमेंट के फंक्शन के स्टार्टिंग में आप एक छोटी सी पोएम बोल के अपनी स्पीच की स्टार्टिंग कर सकते हैं। आज रिटायरमेंट है उनका जो बहुत अजीज है, इस दफ्तर की वो बिरला सीमेंट है। हर एक ईंट को जोड़कर जिसने हमें मजबूत बनाया है, हर एक पल को जिसने और खूबसूरत बनाया है, जिसके आने से पूरे ऑफिस में जान आ जाती है। आज विदाई समारोह है उनका, जिसने हमें इतना काबिल बनाया है, जिसने हमें इतना काबिल बनाया है। माननीय प्रधानाचार्य जी, माननीय महोदय जी और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब आज यहाँ एक विशेष कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज श्रीमान जी का रिटायरमेंट है। और इस समारोह में और इस उपलक्ष्य में हमने छोटी सी रिटायरमेंट पार्टी रखी है। उसके बाद आप प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो स्टेज पर आए और दो शब्द कहें। अब मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो स्टेज पर आए और दो शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। जब प्रिंसिपल सर की स्पीच ख़त्म हो जाए, तब बोल सकते हैं थैंक यू सर, और उसके बाद एक छोटी सी कोट करके आप अपनी स्पीच को आगे, अपनी एंकरिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आपके बारे में क्या कहूँ, लव्स भी कम पड़ गए हैं। आप तो वो फूल हो जो हर बाग में नहीं खिलते हैं। खुश नसीब होते हैं वो जो आपकी छत्र छाया में रहते हैं। सीखा बहुत कुछ आपसे, डांट भी बहुत खाई है, तभी तो हर रोज हर दिन हर रात आपकी ही महिमा गाई है। तभी तो हर रोज़ हर रात हर दिन आपकी ही महिमा गाई है। अब मैं माननीय महोदय जी से रिक्वेस्ट करूँगी वो स्टेज पर आए और श्रीमान जी के लिए दो शब्द गाएँ और इस विशेष कार्यक्रम को और अविस्मरणीय बनाएं। जब उनकी स्पीच ख़त्म हो जाए, तो आप थैंक यू सर बोल सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में आप एक छोटी सी पोएम बोलकर इसका द एंड कर सकते हैं। क्या कहो, लव्स भी थम से गए हैं, रिटायरमेंट के स्पेला पर हर आँख छलक से गई है, खुशी के पल सिमट से गए हैं, यादों के आईने में एक याद बन गए हैं, यादों के आईने में एक याद बन गए हैं। आप हो गए रिटायर्ड, पर हमारे दिल के रहो के हमेशा पास, एहसासों के स्पन्ने में रहो के आप हमेशा खास। कैसे दी विदाई आपको, आंखें भर भर आती हैं, हर दिल में एक कृति उभर आती है। सूना हुआ दफ्तर अब हमें डांट कौन लगाएगा, जीवन का पाठ हमें अब कौन पढ़ाएगा। जब भी आपकी आएगी याद, एक बात कहती हूँ, आपके घर के बाहर आकर बैठ जाएंगे, फिर चाय का घुट पीकर यादों का सिलसिला लगाएंगे। क्यों ना छूटेगा हमसे पीछा, इस बात का रखना आप ध्यान, क्योंकि आपके आदेशों पर होता रहा हमारे दफ्तर का काम। बस इतना ही कहते, याद बहुत आओगी, यूँ ना भूल पाएंगे, बस रखना हमें याद, इतनी सी है फरियाद, इतनी सी है फरियाद। थैंक यू।